रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और जीतेंगे हम सीरीज में हम आपसे बात कराते हैं एक खास ऐसे कोरोना वॉरियर की जो हम सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो डॉक्टर्स होते हैं, वो आम नागरिक होते हैं, वो नर्सेज होते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं, लेकिन आज हमें सही तरीके से गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरज जैन, मेडिकल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। गुड मॉर्निंग दीक्षा जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, आज के समय में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है हम सभी के दिल में डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में आप ही हैं जिन पर हमने सब कुछ छोड़ रखा है, तो कैसे मैनेज करें इस परिस्थिति को, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा। धन्यवाद दीक्षा। इनफैक्ट डॉक्टर, हमारा सिस्टर स्टाफ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आज के टाइम में बहुत मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है इस सिचुएशन को हैंडल करने में, जो बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन। वी हैव फेस्ड दिस कोविड पेंडेमिक, इट वॉज नॉट दैट बैड। दिस टाइम वी आर फेसिंग लॉट ऑफ सिक पेशेंट्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल्स, माइल्डर इन्फेक्शंस आर लेस, क्रिटिकल पेशेंट्स आर कमिंग टू द हॉस्पिटल और उनको काफी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट्स है, बाईपैप की रिक्वायरमेंट्स है। सो दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। एनीवे, वी आर हियर टू हेल्प ऑल पेशेंट्स हु आर कमिंग टू द मेट्रो हॉस्पिटल। इनफैक्ट ऑल द हॉस्पिटल्स आर टेकिंग केयर ऑफ दीज सिक पेशेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी देन हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल इन फरीदाबाद आर टेकिंग वेरी वेल केयर ऑफ दीज पेशेंट्स। एनीवे, दिस टाइम आई रिक्वेस्ट through you that patients should come early in their infection period. What we are seeing that patients are coming after 10-12 days. At that time they are very sick, their lungs are damaged, their saturations are going low. At that time they are seeking help of the specialist. Probably not a right choice. इतने दिनों के बाद निष्कर्ष निकला और हमारे स्पेशलिस्ट से मैंने मीटिंग की, उसके बाद जो डिसाइड हुआ वो ये कि पेशेंट्स को वार्निंग साइन के बारे में बताना कि कब वो हॉस्पिटल की हेल्प लेने के लिए पहुंचे। अभी तक के एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स हमारे पास या किसी और अदर हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, दे आर वेरी सिक एंड वो जो प्रीपिशियस टाइम है जिसमें स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर इंजेक्शन या प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में हेल्प है, वो टाइम वो ऑलरेडी घर में निकाल चुके होते हैं, तो विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवे, आपके माध्यम से मैं जानना, ये कन्वे करना, अगर उनके सेचुरेशन में थोड़ा भी डिप आता है या उनको कोई भी सिम्टम्स ऐसे है जैसे ब्रेथलेसनेस या फीवर नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। तो ये मेरा अपील है आप लोगों के थ्रू पेशेंट से। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई जनरल पेशेंट सभी की बात, लेकिन हार्ट पेशेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि रिस्क पर है आज की तारीख में, और हॉस्पिटल्स में इतना रश है कि पहुंचते पहुंचते कई बार पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, और बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, बड़े बड़े लोग जो सेलिब्रिटीज भी हैं, कोविड के बाद पोस्ट कोविड रिकवरी, उनको हार्ट अटैक हो रहा है और जिंदगियां यूं ही चली जा रही हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसमें जो क्वेरीज और जो प्रॉब्लम्स इतने दिनों में मैंने फेस किए हैं, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जी, पहली प्रॉब्लम्स मैं जो फेस कर रहा हूँ, जो मेरे पास क्वेरीज आ रही है, वो वैक्सीन को लेके है। जी, तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो इतने टाइम से हार्ट की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो क्वेरी उनकी ये रहती है कि क्या हमें हमारी हार्ट का ट्रीटमेंट, स्पेशली जो ब्लड थिनर है, वो वैक्सीन लगाने से पहले बंद कर देनी चाहिए। जी, तो मेरा स्ट्रेट अवे ये आंसर है कि नहीं। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, चाहे कोई भी ब्लड थिनर हो, यू शुड नॉट स्टॉप योर ब्लड थिनर फॉर वैक्सीनेशन। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, जी, जो ऑलरेडी जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जो बाईपास हो चुकी है, या जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, ऐसे पेशेंट्स भी बहुत सारे हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और अब उनको परेशानी ये आ रही है कि वो क्या करें। जी, तो मैं कहूंगा कि ऐसे पेशेंट को और पेशेंट्स के कंपैरिजन में जल्दी हॉस्पिटल की मदद लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, इनको सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये डायबिटीज से भी ग्रसित हैं, इनको हाइपरटेंशन भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 इन्फेक्शन, आर मोर।
in any case, they should not stop their regular medicines even after they have suffered from COVID-19 infection. तो कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अपनी रेगुलर दवाइयां बंद कर दें अगर हमें कोविड इन्फेक्शन हुआ है? तो अगेन माई आंसर इज नो. दे शुड नॉट स्टॉप देयर रेगुलर मेडिकेशन, वेदर वो डायबिटीज की मेडिसिन है, ब्लड थिनर है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है. दे शुड नॉट स्टॉप. कई बार ये हो रहा है कि पेशेंट अपना कोविड की इन्फेक्शन की दवा स्टार्ट करने के साथ साथ ये दवा बंद कर देते हैं, जिसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ रहे हैं. थर्ड जो कैटेगरी है वो है कि कई लोग इस चीज से डर गए हैं कि क्या हमें कोविड इन्फेक्शन होने के बाद क्या हमारे अंदर ब्लड क्लॉट बन जाएंगे या हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा. जी, जी. इसके चांसेस मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा नहीं है, बट लोग हाई रिस्क हैं, जैसे जो लोग डायबिटीज है जिनको या जो लोग 50 ईयर से ऊपर के एज के हैं, उन लोगों को प्रिकॉशनरी इकोस्प्रिन टेबलेट्स या अदर ब्लड थिनर, जैसा कि अगर सीरियस इन्फेक्शन है तो ये लोग NOAC जो ड्रग है, लिक्विसे प्रेडिक्सा जो ड्रग्स है, उसको 3 months के लिए देते हैं. तो दे शुड टेक दीज मेडिसिंस रेगुलरली टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशंस आफ्टर COVID-19 इन्फेक्शन. जी, तो इस तरह से है. तीसरी जो और समस्या मेरे को अभी जैसे लास्ट ओपीडी में ही मैंने देखा कि पेशेंट यंग पेशेंट्स थे, दे वर वेरी अफ्रेड कि क्या हमें प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और उस वजह से उनको काफी एंजाइटी थी, उनका हार्ट रेट काफी बढ़ा हुआ था और उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था. तो एक एंजाइटी वाला एलिमेंट भी स्पेशली यंगस्टर के बीच में है ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन और आफ्टर कोविड इन्फेक्शन ऑल्सो. सो दे ऑल्सो नीड सम काउंसलिंग, सम एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन एंड सम इन्वेस्टिगेशन लाइक ECG एंड इको. सो उनको भी थोड़ा सा ये है कि एक बार जरूर अपने डॉक्टर्स की सलाह ले लें. 90% दे आर सेफ, उनको बहुत कार्डियक इश्यू से घबराने की जरूरत नहीं. जी जी, यानी उम्र जो है अगर आप 30+ हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रख लें, और एंग्जाइटी से भी प्रॉब्लम बढ़. हाँ, एंग्जाइटी से काफी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी COVID-19 इन्फेक्शन के बाद काफी है. सर, टेलीविजन देख देख कर मुझे लगता है या न्यूज देख देख कर लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं. ऑब्वियसली यस, न्यूज भी है और मिस हैपनिंग्स भी काफी हमारे आसपास हो रही हैं. तो वो भी एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट्स को है कि इतने सारे लोगों की जान चली गई बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. सो ये है सेकेंड थिंग. ये एक और पेशेंट्स ग्रुप है जो जिनको कोविड इन्फेक्शन नहीं है लेकिन वो लोग अपने हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं. एक अलग एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं, जैसे जो इन लोगों को एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है एंड दे आर नॉट रीचिंग हॉस्पिटल जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कोविड इन्फेक्शन. तो चेकअप्स के लिए नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट दे आर कमिंग वेरी लेट जब वो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो ऐसे लोगों को भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि कोविड अगर आप प्रोटेक्टेड वे में आप हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, अगर आप मास्क लगा के रखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है. तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और स्पेशली स्पेशल वार्ड्स हैं जहां पे नॉन कोविड पेशेंट्स को ही रखा जाता है, किसी पेशेंट कोविड पेशेंट को नहीं रखा जा रहा, तो इस तरह से वो सेफ भी हैं, तो उनको इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है. जी जी, डॉक्टर साहब ये तो हो गई कि डरने की जरूरत नहीं है बात, टेंशन को थोड़ा दूर रखें और दवाइयां लेते रहें, लेकिन अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है, खासतौर पर से अगर हम यंगस्टर्स की बात करें जिनको एंग्जाइटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या वैसे ही जो स्टेरॉइड्स ली गई हैं उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पहचाने कैसे कि ये हार्ट अटैक के सिग्नल हैं? क्योंकि जब तक वो पहचानते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है. ऑब्वियसली, तो मैं कहूंगा कि जो हार्ट अटैक सिम्टम्स हैं उनको उनको इग्नोर नहीं करें वो किसी भी तरह से, जैसे सेंटर ऑफ चेस्ट में पेन होना, अनएक्सपेक्टेड स्वेटिंग होना, पेन का दोनों हाथों में जाना या जबड़े की तरफ निचले जबड़े की तरफ जाना, या सेंटर ऑफ चेस्ट से बैक की तरफ पेन का रेडिएट होना, तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट प्रॉब्लम और दीज सिम्टम्स. और ऐसा कोरिलेट किसी भी चीज से करें, जैसा कि मैंने देखा है कि लोग इसको कोविड से कोरिलेट कर लेते हैं कि भाई, या फिर किसी इन्फेक्शन से कोरिलेट कर रहे हैं या खाने पीने से कोरिलेट कर रहे हैं. तो अगर किसी तरह के सिम्टम्स स्पेशली चेस्ट पेन या चेस्ट में भारीपन होना या वजन सा फील होना अक्रॉस द चेस्ट, अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी भी पेशेंट्स को आ रहे हैं, तो विद इन आवर्स इसको हॉस्पिटल में हेल्प लेनी चाहिए.
हार्ट अटैक के पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट डेली वी आर डूइंग एंजियोप्लास्टी इन अ कोविड 19 पेशेंट टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। तो ये तो अब हम इसको नहीं कर सकते कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो आपकी एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती या ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। वी आर डूइंग इट बिकॉज अब हमने समझ में आ गया कि हमें अब इसके साथ रहना है, हमें सीखना है कि हम इस इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल करें। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा स्टाफ अब ट्रेन हो चुका है, वो इस तरह के पेशेंट्स को देख के नहीं घबराता और प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है। जी बिल्कुल, यानी वायरल की तरह हो चुका है ये, तो हाँ, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना दिक्षा को। हाँ, वी कांट हेल्प इट, वी कैन नॉट डिनाई और ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी टू ऑल दीज कोविड पेशेंट्स। स्टार्टेड इट लास्ट नाइट, वी हैव डन टू पेशेंट एंजियोप्लास्टी ऑन कोविड पेशेंट। सो अब ये तो ये है कि कम से कम पेशेंट्स को ये सोच के इग्नोर नहीं करना है सिम्टम्स को कि हॉस्पिटल में अभी नहीं जाना है हमें क्योंकि कोविड इन्फेक्शन है। तो अगर सिम्टम्स हैं तो आपको जरूर पहुंचना है और जरूर अपने डॉक्टर की सलाह लेना है। वीडियो कॉल्स के माध्यम से ले सकते हैं, कॉल के माध्यम से लग सकते हैं, डायरेक्ट ओपीडी इज देयर, इमरजेंसीज में आपको ईसीजी, इको और सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। जी जी डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं घर पे जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है कोविड का, वो सेल्फ आइसोलेटेड होते हैं, पहले ही अकेले कमरे में बैठकर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी परिस्थिति में जब कुछ और बातें पता चलती है, रोज फेसबुक पर नई तस्वीरें आ रही होती है नोन लोगों की, तो वो वैसे ही घबरा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करें? मुझे लगता है सोसाइटी और उसके इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं और इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मैंने देखा है कि पेशेंट्स को जब आइसोलेट करते हैं तो उसको उससे इवन उसके कमरे में भी कोई जाने को तैयार नहीं है, उसको खाना भी दूर से दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें आई रियली डोंट लाइक। मतलब आप मास्क पहन के जाएं कमरे में, हाँ आप मास्क पहन के जाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, तो आपको उस तरह से उनकी आप काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनको इस तरह से आइसोलेट ना करें कि उनके रूम के आसपास भी कोई नहीं जा रहा, इस तरह से आप उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स और उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे। मेरी फील है कि अगर कोविड जैसे डॉक्टर्स भी आप देखें कि आप पेशेंट्स के पास जा रहे हैं, पेशेंट को छू रहे हैं, तो उस तरह से पेशेंट्स के जो इमीडिएट रिलेटिव है उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई जब डॉक्टर पेशेंट्स के पास जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। जी, मैं आई विल टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशन, आई विल पुट अ डबल मास्क एंड देन आई विल गो टू द हिज रूम and I'll talk to him with proper distancing. तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइसोलेशन में कई लोगों को इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया जा रहा है कि उनको मेंटल प्रॉब्लम, इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है इतना करने से काफी चीजें सॉर्ट आउट। जी जी डॉक्टर साहब, आखिरी चीज जानना चाहूंगी, वैक्सीनेशन कितना जरूरी है कोविड पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन से वैक्सीन से डर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं लगवानी चाहिए, ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हार्ट पेशेंट्स को बचाने में दोनों डोजेज वैक्सीन का क्या रोल? कहूंगा कि वैक्सीनेशन से बिल्कुल नहीं डरना है हमें, और इनफैक्ट दीक्षा अगर आप ध्यान से इस बात को सोचने की कोशिश करें तो सिर्फ वैक्सीनेशन ने ही हमें बचा लिया। आप हमारे सारे स्टाफ को वैक्सीनेटेड हो गया, इसीलिए आज हमारा सारा स्टाफ जो 400 सिस्टर्स का स्टाफ है जो पेशेंट्स की सेवा में लगा हुआ है, अगर ये वैक्सीनेटेड नहीं हुए होते तो आप सोच रहे हैं ये हॉस्पिटल नहीं चल पाता, इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ जाता और इतने सारे इन्फेक्शन होते कि हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ही परेशान हो जाता। तो आप सोचो कि वैक्सीन का कितना बड़ा रोल है आज की डेट में, कि इस हॉस्पिटल को आज सिर्फ वैक्सीन ने ही चला दिया, अदरवाइज कोई भी डॉक्टर कोई भी सिस्टर इतने सीरियस इन्फेक्शन से नहीं बच पाते, चाहे वो कुछ भी कर लेते, बिकॉज ऑफ वैक्सीन दे कुड स्टैंड पेशेंट्स। Second thing, cardiac patients should not be afraid of getting vaccination. They should immediately go for vaccination. जहाँ भी इनको available है और जो भी whether it is Covishield or Covaxin or any other vaccine, they should go for it. और बिल्कुल भी time waste नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे वाला time we don't know कितना severity लेके आता है। जी। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, और एक चीज है कि जितने सिक पेशेंट है जितना जितनी प्रॉब्लम्स है वैक्सीन का फायदा उतना ही है क्योंकि वो ज्यादा रिस्क पे हैं। वो जी बिल्कुल, उनको सबसे पहले जाना चाहिए, उनको सबसे पहले जाना चाहिए, और रादर दे आर नॉट गोइंग, सो ये बड़ा अजीब सी बात। तभी शायद 60 प्लस के लिए पहले ऑप्शन पहले हाँ वो ऑप्शन वॉज ठीक था क्योंकि ये देखा गया था लास्ट एपिसोड्स में कि लास्ट पेंडेमिक में कि इन लोगों को ज्यादा हुई, तो गवर्नमेंट का डिसीजन दैट वी शुड प्रोटेक्ट दीज गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली इस वाले पेंडेमिक में यंगस्टर आर सफरिंग मोर
एनीवे वी आर ट्राइंग टू सेव देम एज मच एज पॉसिबल. वैक्सीनेशंस भी गवर्नमेंट की ड्राइव अब से शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में कंट्रोल आएगी सिचुएशन. जी जी बिल्कुल. डॉक्टर नीरज जैन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसानी से और बहुत सिंपल शब्दों में बहुत सारी बातें बताई कि हार्ट पेशेंट्स को कैसे अपना ख्याल रखना है और कोविड से बिल्कुल नहीं घबराना है. थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही आप कार्य करते रहें और जनता का साथ ऐसे ही देते रहिए. थैंक यू सो मच.